लोकेशन तो ये 8 to 26 10। हाँ मैडम, बुकिंग कर रही है। हाँ मैडम, कहाँ जाना है? लोकेशन पे जाना है ना? लोकेशन थोड़ा लेफ्ट लेना है बस। लेफ्ट लेना है, ठीक है मैडम। लोग भी खोल देंगे मैडम, बैठो तो आप। चले मैडम जी। कहाँ रहते मैडम आप? यार लोकेशन डाली ना, उसके बाद थोड़ा सा आगे चल के लेफ्ट लेने। अच्छा, नंबर ये है क्या जिससे आपने बुकिंग की थी? नहीं, ये भैया का नंबर है। अच्छा, भैया का नंबर है। आपका नंबर क्या है? मैंने बुकिंग कराई है, मुझे बस ड्रॉप कर दो। अरे ड्रॉप तो कर देंगे, वो हमारा काम है मैडम। थोड़ी सी बातें बातें कर ले, नंबर वंबर ले लें आपसे थोड़ा सा। नंबर क्या है आपके मैडम? अरे किसको कंप्लेन कर रहे हो मैडम? किसको फोन लगाया आपने? अरे कंप्लेन तो हो जाएगी, वो तो तुम बचोगे तो होगी ना कंप्लेन। अरे बोल नहीं रहे मैडम, क्या कर रहे हो पीछे बैठ के? नंबर ही तो मांग रहे हैं आपसे। यहाँ से लेफ्ट लेना है क्या मैडम? यहाँ से लेफ्ट ले लेते हैं सर। भैया लेफ्ट लेने हैं? बिल्कुल मैडम, बस एक मिनट रुको, बस लेफ्ट ही ले रहे हैं। ये लेफ्ट लेने हैं? हाँ मैडम, लेफ्ट ही ले रहे हैं। रुको भैया। अरे मैडम रुको भैया। अरे मैडम लेफ्ट ही ले रहे हैं। ये क्या कर रहे हो? अभी सब पता चल जाएगा। अरे ये क्या कर रहे हो? जब कंप्लेन होगी ना पुलिस कंप्लेन, सब पता चलेगा कि किसी को परेशान करने का मतलब क्या होता है। अरे सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि जब हमने गेट खोला है तो यहाँ पे एक लॉक है जिसे चाइल्ड लॉक कहते हैं, जो कि दिया जाता है कि अगर कोई बच्चा अंदर है तो उसकी सेफ्टी के लिए लॉक दिया जाता है कि वो अंदर से ये खोलने की कोशिश ना करे गेट, तो इसके लिए लॉक दिया जाता है। अगर ये नीचे की तरफ है तो ये लॉक है, तो हमें इसे ऊपर करना है, क्योंकि अगर ये नीचे है और आप अंदर हो तो आप अंदर से गेट नहीं खोल पाओगे। सेकेंड थिंग, आपको ड्राइवर के साइड वाली सीट पे नहीं बैठना है, आपको ड्राइवर के जस्ट पीछे वाली सीट पे बैठना है, क्योंकि अगर आप साइड पे बैठते हो तो उनके लिए इजी हो जाता है आपके ऊपर अटैक करना, उनके लिए इजी हो जाता है। लेकिन अगर आप उनके पीछे बैठे हो तो देखिए किस तरीके से उनको प्रॉब्लम हो रही है, ऊपर से भी और नीचे की तरफ से भी, उन दोनों तरफ से उनको अटैक करने में प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपको लगता है कि ड्राइवर आपको परेशान कर रहे हैं या किसी गलत डायरेक्शन में आपको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहले आपको अपने किसी अपने पेरेंट्स को कॉल करना है। लेकिन अगर आप बाहर रहते हो, किसी पीजी में रहते हो, घर से दूर रहते हो, तो आपको अपने फ्रेंड को कॉल करना है किसी को भी, और उन्हें इन्फॉर्म करना है कि गाड़ी नंबर जो भी है, आप जिस भी गाड़ी में हो आपको गाड़ी नंबर बताना है और अपनी लोकेशन उनसे शेयर करना है, जिससे कभी आपको प्रॉब्लम हो तो वो आपकी हेल्प कर सके। उसके बाद में अगर वो किसी गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं तो हमें क्या करना है, हम लोग सेफ्टी पिन, हम लोग हेयर पिन हम लोग कैरी करते हैं, हम लोग पार्टीज में जाते हैं या फिर कहीं पे भी जाते हैं, डीओ हम लोग साथ में रखते हैं, स्टॉल स्काफ हम लोग के साथ में होता है, तो इन तीनों चीजों की मदद से हम किस तरीके से अपना बचाव कर सकते हैं। हेयर पिन, डीओ एंड स्काफ,
हेयर पिन बहुत छोटी होती है, बहुत शार्प होती है आगे से, तो आप इजीली हिट कर सकते हो, आप अटैक कर सकते हो इस तरीके से। वो डिसबैलेंस होंगे, उनको इंजरी होगी, तो वो ब्रेक लगाएंगे और गाड़ी वहां पे स्टॉप हो जाएगी। तभी आपको टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको डीओ उनके आंखों पे स्प्रे करना है। ज्यादा क्वांटिटी में नहीं, बहुत कम क्वांटिटी भी आप यूज करोगे तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। थर्ड, आपको स्कार्फ से उनको टाइटली सीट के पीछे बांध देना है इस तरीके से, जिससे कि उनको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, उनको टाइम लगेगा इसकी नॉट को खोलने में। इतनी देर में आप वहां से भाग सकते हो और भाग के किसी सुरक्षित स्थान पे जा सकते हो, आप सेफ रह सकते हो। जिस प्रकार पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती है, उसी प्रकार हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। हम लोगों की ये वीडियो सेल्फ डिफेंस की वीडियो उन लोगों के ऊपर बेस्ड है जिनकी विचारधारा बहुत संकीर्ण है, इसलिए आप सेफ रहिए और अवेयर रहिए। और दोस्तों, आप इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करें, जिससे कि गर्ल्स के सामने ऐसी सिचुएशन आए तो उनका सामना कैसे कर सके, वो अपना सेल्फ डिफेंस कैसे कर सके। ठीक है दोस्तों, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।